विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग प्रथम के द्वितीय प्रश्न पत्र की तीसरी यूनिट को प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें उत्पादन के सिद्धांत का अध्ययन करना है। उनमें सबसे पहले हम लेते हैं उत्पादन फलन या प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन या उत्पादन के सिद्धांत में उत्पादन फलन का काफ़ी अधिक महत्व होता है। उत्पादन की मात्रा उत्पादन में लगाए जाने वाले साधनों की मात्राओं पर निर्भर करती है। तो अतः उत्पादन फलन जो है वह उत्पत्ति व साधनों की मात्रा का ही भौतिक संबंध होता है। इसमें कीमतों को शामिल नहीं किया जाता है। इसको हम गणितीय रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्यू इजिकल टू फंक्शन ऑफ एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री एंड एक्स एन। यहाँ पर वस्तुओं की उत्पत्ति क्यू के द्वारा सूचित की जाती है। यहाँ उत्पादन के एन साधन प्रयुक्त किए गए हैं। प्राप्त उत्पत्ति व साधनों की मात्राओं में संबंध स्थापित करने का यह एक सरल तरीका होता है। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि उत्पादन फलन में सूचित की जाने वाली उत्पत्ति की मात्रा वह अधिकतम मात्रा होती है जो साधनों के किसी विशिष्ट संयोग से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसमें तकनीक को स्थिर मान लिया जाता है। हालांकि दी हुई तकनीक के अंतर्गत उत्पादन की विभिन्न विधियां हो सकती है। उत्पादन की विभिन्न विधियों या तकनीकों का अर्थ है कि उत्पादन के साधन विभिन्न संयोगों में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। अर्थात उत्पत्ति की एक विशेष मात्रा को प्राप्त करने के लिए साधन विभिन्न अनुपातों में मिलाए जा सकते हैं। प्रोफेसर गुल्ड और लेजियर ने उत्पादन फलन को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उत्पादन फलन एक अनुसूची होती है जो उत्पत्ति की उस अधिकतम राशि को दर्शाती है जो साधनों के किसी विशिष्ट समूह के द्वारा उत्पादित की जा सकती है। इसके लिए हम वर्तमान तकनीक अथवा कला की दशा को दिया हुआ या स्थिर मान लेते हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उत्पादन फलन नुस्खों की एक पुस्तिका यानी रेसिपी बुक है जो ये दर्शाती है कि उत्पत्ति की कौन सी मात्राएं कौन से इनपुटों के समूह से संबंधित होगी। अब हम लेते हैं उत्पादन फलन की प्रकृति। सभी साधनों की इकाइयों को बढ़ाने जाने से उत्पत्ति बढ़ती है और सभी साधनों की इकाइयों को घटाए जाने से उत्पत्ति घटती है। और हमें यह भी पता है कि फर्म की उत्पत्ति की मात्रा उसके पास उपलब्ध तकनीक पर निर्भर करती है। अब उत्पादन फलन की प्रकृति या उत्पादन फलन जो है वो दो बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले तो तकनीक, यानी फर्म के लिए दी हुई तकनीक के अंतर्गत उत्पादन की तकनीकों की संख्या या सीमा क्या है, उसकी रेंज क्या है, अर्थात फर्म के लिए उत्पादन की कितनी तकनीकें या विधियां उपलब्ध हैं। और दूसरा उत्पादन के साधन, यानी एक फर्म उत्पादन की विभिन्न मात्राओं के लिए अनिवार्य रूप से एक सी तकनीक का उपयोग नहीं करती है। उत्पत्ति की थोड़ी मात्रा के लिए प्रायः जटिल किस्म की मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि वो महंगी पड़ती है, लेकिन अधिक मात्रा में माल की उत्पत्ति करने के लिए इनका उपयोग आवश्यक हो जाता है। फर्म अपनी उत्पत्ति की मात्रा के अनुसार दी हुई तकनीकों में से सबसे अधिक उपयुक्त तकनीक या तकनीकों का चुनाव करती है। एक तकनीकी आविष्कार के परिणाम स्वरूप साधनों की दी हुई मात्राओं से फर्म पहले की अपेक्षा अधिक माल भी उत्पन्न कर सकती है। ऐसी स्थिति में उत्पादन फलन स्वयं बदल जाता है। तो उत्पादन फलन का एक लक्षण जिस पर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता है वो यह है कि एक फलन के अंदर विभिन्न साधनों की इकाइयां एक दूसरे के बदले में कम या अधिक मात्रा में प्रयुक्त की जा सकती है। हम श्रम के स्थान पर पूंजी, पूंजी की एक किस्म के बदले में पूंजी की दूसरी किस्म एवं श्रम की एक किस्म के बदले में उसकी दूसरी किस्म को प्रयुक्त कर सकते हैं। उत्पादन की प्रक्रिया में विभिन्न साधनों के प्रतिस्थापन की संभावना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हम उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रख करके एक साधन की मात्राओं को बढ़ाकर फर्म की कुल उत्पत्ति को कुछ सीमा तक हम बढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्पादन फलन हमें एक तकनीक का सारांश प्रस्तुत करता है।
उत्पादन फलन साधनों के विभिन्न संयोगों और उत्पत्ति की मात्रा में परस्पर संबंध को स्थापित करता है। इसको हम एक सारणी के द्वारा समझ सकते हैं। ये सारणी आपके सामने है, इसमें हमने ओ एक्स अक्ष पर श्रम की इकाइयाँ 1 से 6 तक ली है और दूसरी तरफ ओ वाई पर पूंजी की इकाइयाँ 1 से 6 तक ली है। श्रम व पूंजी के विभिन्न जोड़ों से प्राप्त उत्पत्ति की मात्राएं है ना, सारणी को देख करके आसानी से जानी जा सकती है। जैसे पूंजी की 3 इकाई और श्रम की 2 इकाई का उपयोग करें, है ना, जैसे पूंजी की 3 इकाई और श्रम की 2 इकाई का उपयोग करें तो हम 35 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं, जो इस संयोग की सर्वाधिक उत्पत्ति होगी। लेकिन 35 इकाई माल उत्पन्न करने के लिए अन्य संयोग भी हो सकते हैं, जैसा कि इस सारणी में हमें मिल सकता है 6 इकाई पूंजी और 1 इकाई श्रम को लेकर के हम 35 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं। श्रम की 3 इकाई और पूंजी की 2 इकाई को लेकर के भी 35 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं। तो उत्पादन फलन पर समान उत्पत्ति के संयोगों को मिलाने से हमें एक समोत्पत्ति वक्र भी प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम 35 की मात्रा के लिए आवश्यक संकेत दिया गया है, अगर हम 35 35 35 तीनों को हम मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। ये रेखा हम आगे चलकर देखेंगे कि इसको हम समोत्पत्ति वक्र कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस सारणी से देखो कई प्रकार की जानकारियां मिलती है। जैसे श्रम की मात्रा को स्थिर रख करके पूंजी की मात्रा को हम परिवर्तित करके उत्पत्ति पर प्रभाव देख सकते हैं। जैसे श्रम की 1 इकाई लें हम और उसके साथ पूंजी की क्रमशः बढ़ती हुई मात्राएं लें, है ना, तो हमें उत्पत्ति ये देखिए 14, 20, 25, 29, 32 और 35 प्राप्त होती है। फिर अगर हम इस प्रकार भी ले सकते हैं कि श्रम पूंजी की मात्रा को स्थिर रख करके श्रम की मात्रा को परिवर्तित करके उत्पत्ति पर उसका प्रभाव देख सकते हैं। जैसे हम पूंजी की 1 इकाई लें और उसके साथ श्रम की बढ़ती हुई इकाइयां लें, श्रम की 1 इकाई लेंगे और पूंजी की 1 इकाई लेंगे तो 14, फिर पूंजी की तो 1 इकाई लेंगे लेकिन श्रम की 2 कर देंगे तो 20 इकाई माल उत्पन्न हो सकता है, 3 लेंगे तो 25, 4 से 29, 5 से 32 और 6 से 34 इकाइयां हमें मिल सकती है। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर 1 इकाई और 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी को लें, अगर हम दोनों की मात्रा को समान रूप से लें तो 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी से 14 इकाई के बराबर उत्पत्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी से 28, 3 इकाई श्रम 3 इकाई पूंजी से 42, 4 इकाई श्रम 4 इकाई पूंजी से 56, 5 इकाई श्रम 5 इकाई पूंजी से 70 और 6 इकाई श्रम और 6 इकाई पूंजी से 84 प्राप्त होती है ना। तो इस तरह साधनों को जब हम दुगना करते हैं तो उत्पत्ति भी दुगनी हो जाती है। जब एक एक थे तो 14, जब दो दो हो गए तो 28, है ना, और जब चार चार हो गए तो 56, तो 28 का दुगना 56 हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको, ये जो है पैमाने के प्रतिफल को बताता है कि जिस अनुपात में हम साधनों को बदलेंगे उत्पत्ति की मात्रा भी उसी अनुपात में बदल जाएगी। जैसे यहाँ बदल रही है 14, 28, 42, 56, 70 और 84, इसको हम आगे जाकर के पैमाने के प्रतिफल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जो सारणी है इससे हम दोनों साधनों को विभिन्न अनुपातों में बढ़ा कर भी उत्पत्ति पर उसका प्रभाव देख सकते हैं। जैसे अगर हम 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी से 14 इकाई के बराबर उत्पत्ति होती है, ठीक है, मान लें कि हम दुगना श्रम व तिगुनी पूंजी से उत्पत्ति पर प्रभाव देखना चाहते हैं, यानी श्रम की मात्रा 2 लें और पूंजी की मात्रा 3 लें, तो ऐसी स्थिति में कितना मिलेगा हमें 35 इकाई मिलती है। तो इस प्रकार से हम बदल करके भी देख सकते हैं। यहाँ अगर हम श्रम की 4 इकाई है ना और पूंजी की 2 इकाई लें तो ऐसी स्थिति में 40 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उत्पादन फलन के संबंध में ये जो सारणी है, ये सारणी बहुत ही सारगर्भित मानी जाती है। इसकी सहायता से हम उत्पत्ति के नियम और पैमाने के प्रतिफल एवं प्रतिस्थापन के प्रतिफल तीनों को ही स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना होगा कि उत्पत्ति के नियमों में एक साधन स्थिर रख करके दूसरा साधन परिवर्तित करते हैं तो ऐसी स्थिति में, है ना, जब उत्पत्ति के एक साधन को स्थिर रख करके दूसरे साधन को परिवर्तित करते हैं
तो पैमाने के प्रतिफल सभी साधन एक ही अनुपात में परिवर्तित किए जाते हैं और प्रतिस्थापन के प्रतिफल में उत्पत्ति के साधन विभिन्न अनुपातों में परिवर्तित किए जाते हैं। तो एक उत्पादन फलन में साधनों के विभिन्न संयोगों से उत्पादित की जा सकने वाली सर्वाधिक मात्राओं को दर्शाया जाता है। तो एक उत्पादन फलन के अंतर्गत उत्पादन की कई तकनीकें हो सकती है, हालांकि तकनीक एक ही होती है। इनमें से सर्वोत्तम तकनीक का चुनाव साधनों की कीमतों पर निर्भर करता है कि साधनों की कीमतें क्या है, उसके आधार पर हम तकनीक का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं उत्पादन फलन के विभिन्न रूप, है ना, जिसमें सबसे पहला है अल्पकालीन उत्पादन फलन। इसमें हम प्राय जो है एक साधन को स्थिर रख करके दूसरे साधन की मात्राओं को बढ़ाते हैं, क्योंकि अल्पकाल का मतलब होता है कि सभी साधनों की मात्राओं को एक साथ नहीं बढ़ाया जा सकता। और फिर हम एक साधन को स्थिर रखते हैं और दूसरे साधन की मात्रा में परिवर्तन करते हैं और उसका कुल उत्पत्ति पर प्रभाव देखते हैं। जैसा खेती के संदर्भ में हम कर सकते हैं कि हम भूमि की मात्रा को स्थिर रखें, जैसे 1 बीघा 2 बीघा, और उस पर श्रम की मात्राओं को बढ़ा करके कुल उत्पत्ति पर उसका प्रभाव देख सकते हैं। जैसे 1 श्रम लगाया तो क्या उत्पत्ति हुई, 2 श्रम लगाया तो क्या उत्पत्ति हुई, 4 श्रम लगाया तो क्या उत्पत्ति हुई। अथवा उद्योग में हम पूंजी की मात्रा को स्थिर रख करके, यानी मशीन को स्थिर रख करके श्रम की मात्राओं को क्रम में बढ़ाकर कुल उत्पत्ति के परिवर्तन को देख सकते हैं। हम इससे आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति ह्रास नियम, उसमें पढ़ेंगे, वो अल्पकालीन उत्पादन फलन का ही रूप है, कि एक सीमा के बाद उत्पत्ति ह्रास नियम सभी में लागू होता है। उत्पत्ति ह्रास नियम अल्पकालीन उत्पादन फलन की ही देन होता है। हमने जो सारणी देखी थी उस सारणी में हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि कुल मात्रिक उत्पत्ति की मात्राएं 14, 20, 25, 29, 32, 34 ऐसे बढ़ती है। तो ये अल्पकालीन उत्पादन फलन की स्थिति है। देखो एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ, सारणी में ये देखिए, हम जब पूंजी की मात्रा 1 स्थिर रखते हैं और श्रम की मात्रा को बढ़ाते हैं, 1 से 14 हुआ, 2 बढ़ाएंगे तो 20, 3 लेंगे तो 25, 4 लेंगे तो 29, 5 लेंगे तो 32 और 6 लेंगे तो 34। इस प्रकार से पूंजी की मात्रा को स्थिर रख करके श्रम की मात्रा में वृद्धि करने से हमें उत्पत्ति की मात्राएं इस प्रकार से बढ़ती हुई प्राप्त होती है। ये उत्पाद अल्पकालीन उत्पादन फलन की ही स्थिति होती है। आवश्यकता पड़ने पर एक से अधिक साधन भी स्थिर रखे जा सकते हैं, लेकिन एक साधन को तो परिवर्तनशील हमें अवश्य ही रखना पड़ेगा। दूसरा है फिर दीर्घकालीन उत्पादन फलन। दीर्घकाल में उत्पादन के सभी साधनों को बदला जा सकता है या परिवर्तित किया जा सकता है और उसका प्रभाव कुल उत्पत्ति पर देखा जाता है, जो दीर्घकालीन उत्पादन फलन की स्थिति को सूचित करता है। जो हमने सारणी ली थी उस सारणी के माध्यम से हम दीर्घकालीन उत्पादन फलन को भी स्पष्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर आपको सारणी पर ला रहा हूँ। जैसे 1 इकाई पूंजी और 1 इकाई श्रम लें तो हम 14 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। अगर 2 इकाई श्रम और 2 इकाई पूंजी लें तो 28 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से 3 इकाई श्रम और 3 इकाई पूंजी लें तो 42 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं। ये जो है ये पैमाने के समान प्रतिफल की दशा कही जाती है ना, कि जिसमें हम जिस अनुपात में साधनों को बदलेंगे उत्पत्ति भी उसी अनुपात में बदल जाएगी। एक दूसरी स्थिति हम ले सकते हैं कि हम 2 इकाई पूंजी को लें और 1 इकाई श्रम को लें तो 20 इकाई माल पैदा कर सकते हैं। हम 3 इकाई पूंजी और 2 इकाई श्रम को लें तो 35 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं। हम 4 इकाई पूंजी और 3 इकाई श्रम को लें तो 49 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पूंजी व श्रम की विभिन्न अनुपातों में लेकर के कुल उत्पत्ति की मात्राएं ज्ञात की जा सकती है। तो दीर्घकालीन उत्पादन फलन में पैमाने के प्रतिफलों पर विचार किया जाता है, जिसका हम आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, है ना। इसके पश्चात हम आते हैं रेखीय समरूप उत्पादन फलन, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। उत्पादन फलन के विवेचन में प्रथम अंश के समरूप फलनों यानी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ द फर्स्ट डिग्री का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इन्हें रेखीय समरूप उत्पादन फलन अथवा पैमाने के समान प्रतिफल वाले फलन भी कहकर पुकारते हैं। इन सबका एक ही अर्थ होता है और वह यह है कि यदि सभी साधन एक ही अनुपात में बढ़ाए जाते हैं तो उत्पादन भी उसी अनुपात में बढ़ता है। जैसा कि हमने सारणी में देख चुके हैं, है ना, 1 इकाई श्रम और 1 इकाई पूंजी लगाते हैं तो हम 14 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से 2 इकाई और 2 श्रम लगा करके 28 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं और 3 इकाई पूंजी और 3 इकाई श्रम लगा करके 42 इकाई माल उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी साधनों को एक ही अनुपात में बढ़ाने पर उत्पत्ति भी उसी अनुपात में बढ़ती है। यदि सभी साधनों की मात्रा हम दुगुनी कर दें
तो उत्पत्ति की मात्रा भी दुगनी हो जाएगी। जैसे हमने एक श्रम एक पूंजी लिया तो 14 इकाई माल उत्पन्न हुआ, और दो इकाई श्रम और दो इकाई पूंजी लिया तो 28 इकाई हो गया, यानी दुगना हो गया। और इस प्रकार के यानी रेखीय समरूप उत्पादन फलन के उत्पादन फलन की जो दूसरी विशेषता होती है वो ये होती है कि इसमें औसत उत्पत्ति और सीमांत उत्पत्ति दोनों साधनों के अनुपात पर निर्भर करती है, न कि साधनों की मात्राओं पर, है ना। इसको भी हम आगे चल करके स्पष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज जो है उत्पादन फलन का परिचय दिया है, जिससे हमें इसकी विशेषताओं इसके विभिन्न रूपों की प्रारंभिक जानकारी का परिचय होता है। आगे चल करके हम उत्पादन के सिद्धांतों के अंतर्गत समोत्पत्ति वक्र व समलागत रेखा के द्वारा देखेंगे कि किस प्रकार से उत्पादन का निर्धारण होता है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या उत्पत्ति ह्रास नियम क्या है उसका अध्ययन करेंगे, और पैमाने के प्रतिफल का अध्ययन करेंगे।